परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है द इंटरव्यू। अब यहाँ पर इसके पहले हमको ये ध्यान रखना है कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो जो है वो अब कोर्स में नहीं आना है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस नहीं करेंगे और हम सीधे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। दिस चैप्टर इज एन एसर्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर विच इज एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डेज। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर लिया गया है द इंटरव्यू, इसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जो कि इनकी जो एक बुक थी इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज जो 1859 को पब्लिश हुई थी, उससे लेकर आज तक उसके बीच के जो व्यू हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए बच्चों, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है। आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं कि इंटरव्यू दो, इट इज अ फेस टू फेस टॉक बिटवीन टू पर्सन। यहाँ पर फेस टू फेस टॉक होता है दो लोगों के बीच में, जिसमें वन पर्सन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति जो रहता है, जो पर्सन रहता है, वो दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके आंसर करता है, दैट इज नोन एज इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका पर्सनल भी हो सकता है, आपके पर्सनल मैटर पे भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल मैटर्स पे भी हो सकता है, और इंटरव्यू आपके जुड़े हुए जिस क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं या जिस क्षेत्र के बारे में आप जानकारी रखते हैं उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में भी इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू बिटवीन टू पर्सन के बीच में होने वाला टॉक है, जिसमें एक क्वेश्चन करता है, एक आंसर देता है, और इसके मैटर्स क्या होते हैं, ये पर्सनल भी हो सकता है, इट इज प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, एंड एक्सपीरियंस बेस्ड ऑल्सो, और ये अनुभवों पर भी आधारित हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्वेंशन मतलब कोई भी न्यूली थिंग, कोई हैपन होना, कोई भी नई चीज होना, आविष्कार, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहें तो आविष्कार। तो जब ये 130 साल पहले इस चीज की शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की, तो अब इंटरव्यू एक है बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, प्रोफेशनल राइटिंग के क्षेत्र में इंटरव्यू जो है वो अपनी एक बहुत खास और अनिवार्य रूप से जगह बना चुका है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. अब क्या बोलते हैं कि आज के समय में, आज के युग में, जबकि सभी लोग बहुत सारे संख्या जो है वो लिटरेट यानी साक्षर है, पढ़ी लिखी है, उसने कभी ना कभी किसी न किसी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा, या तो किसी के जीवन से संबंधित या किसी के दूसरे और तरीकों के उनके जो विचार हैं, जो उनके दृष्टिकोण हैं, उनके बारे में उन्होंने किसी न किसी इंटरव्यू को अवश्य पढ़ा होगा। और सेवरल थाउजेंड यानी कई हजारों सेलिब्रिटीज, यानी जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो बहुत फेमस पर्सन हैं समाज में, जो बहुत अच्छी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में उन्होंने पढ़ा है, और लगभग हजारों इंटरव्यू जो हैं वो इन सालों में कई बार हो चुके हैं और ये कुछ कुछ इसमें से रिपीटेडली भी होते रहे हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है ये सरप्राइजिंग यानी एक अचानक से भी हो सकता है, इसमें किसी इंटरव्यू लेने वाले के ओपिनियन भी होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं, जो क्रियाशीलता, जो कार्य प्रणाली है, इसके जो गुण दोष है इंटरव्यू के बारे में, ये बहुत ज्यादा हद तक कैसे होते वेरी करते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन, इंटरव्यू टू इंटरव्यू आपस में एक दूसरे से भिन्नता भी रखते हैं, भले ही उसका उद्देश्य जो है वो
सेम हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बताया है कि इंटरव्यू जो है वो हर किसी के अपने ओपिनियन से अलग रहता है। अब हम देखते हैं इंटरव्यूज के बारे में, बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज के जो व्यू हैं वो देखते हैं हम जरा। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। अब इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है कि जब इंटरव्यू होता है तो या तो कुछ लोग जो देने वाले होते हैं वो क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट यानी बढ़ा चढ़ा के दावे करते हैं उस दौरान, और बहुत ऊंचे इसके उच्च स्तर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर सत्य को जानने का स्रोत होता है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो एक कला की तरह है। मतलब जो इंटरव्यू ही होता है, जो इंटरव्यू लेता होता है वो कैसा है, उसके उसको बहुत आर्ट, उसका ये इंटरव्यू लेना भी एक कला की तरह एक आर्ट है, क्योंकि वो उस समय जो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है उसके तर्कों को इस हद तक समेट के ले जाता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा सच प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपने हाईएस्ट जो उसके एम्स हैं उस इंटरव्यू के दौरान उसको प्राप्त कर सके। तो इंटरव्यू लेना भी एक कला है और देना तो उससे भी बड़ी कला है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी क्या करेगा, अपने आप को अपने परसोना को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करेगा। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवॉरंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ सेलिब्रिटीज जो बहुत प्रख्यात लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरव्यू को जब देते हैं तो अपने आप को कैसा पाते हैं, एज विक्टिम्स, एक अपराधी की तरह, एक विक्टिम्स एंड प्रे यानी एक शिकार की तरह अपने आप को पाते हैं कि वो खुद एक शिकार बन जाते हैं और इंटरव्यू लेने वाला एक शिकारी की तरह उन पर अटैक करता है। और ये जो इंटरव्यू है ये उनको कैसा लगता है, अनवॉरंटेड मतलब बिल्कुल अनजस्टिफिकेबली इंट्रूजन यानी अतिक्रमण लगता है उनकी जिंदगियों में। मतलब इंटरव्यू के दौरान उनको लगता है कि वो एक बहुत बड़े विक्टिम है और उनकी लाइफ में बेवजह अतिक्रमण किया जा रहा है, बेवजह दखलंदाजी दी जा रही है, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। और उनको ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं जो उनका इंटरव्यू लिया जाता है वो उनको रिड्यूस कर रहा होता है, वो उनको लोअर ले जा रहा होता, लोअर कैडर में ले जाता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस समय उनको एक उनको मालूम रहता है कि मेरा इंटरव्यू किसी पब्लिश होगा, किसी बड़े उसमें जाएगा, बहुत सारे लोग मुझे चाहने वाले, मुझे जानने वाले, मेरी आलोचना करने वाले लोग भी इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे। तो उसके दौरान उन्होंने जो बोला है तो हर व्यक्ति उनके बोले गए शब्दों को, उनके आंसर्स को कैसे कैरी करता है, इस कारण से उनको लगता कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि जनरली हर व्यक्ति की ये आशा होती है कि वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बहुत उसका जो पर्सोना उसने क्रिएट किया है पर्सनली लाइफ में चाहे वो जैसा हो, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो वो चाहता है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत सेटिस्फाई हो और बहुत अच्छी हो, ताकि वो लोगों के सामने एक अच्छा सीन प्रस्तुत कर सके अपने बारे में। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि प्रिमिटिव यानी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में क्या होता था, बहुत थोड़ा पुराने जमाने में, कि जब कोई फोटो लेता था किसी व्यक्ति की, जब फोटो ली जाती थी, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लिया जाता था, तो लोगों को यह लगता था कि कहीं ना कहीं वो उसकी आत्मा को चुरा रहा होता है, पर्सन सोल्स यानी जब किसी का फोटोग्राफ लिया जा रहा होता था तो उनको लगता था कि वो उनकी आत्मा को चुरा रहा, मतलब उसमें अच्छाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज है जो वो नहीं बताना चाहता तो भी वो उस फोटोग्राफ में शो हो जाती है। जस्ट लाइक बिल्कुल इंटरव्यू में भी ऐसा ही, इंटरव्यू देने वाला यही सोचता है कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ मुझे बहुत संभल के बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो चीजें डिस्कस करना नहीं चाहता वो भी इसमें प्रतिबिंबित हो जाए। फील्स दैट सम पीपल आर वंडर्ड बाय इंटरव्यूज एंड लॉज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ बाय वीएस नायपाल। वीएस नायपाल के ने क्या स्टेटमेंट दिया कि इंटरव्यू देते समय उनको कैसी फीलिंग आती है कि कुछ लोग उनको वंडर्ड कर रहे हैं
और उनके उनका ही कोई ना कोई एक पार्ट है जो छूट रहा है या उनसे चुराया जा रहा है या उनसे छीना जा रहा है। अब हम बच्चों देखेंगे कि वीएस नायपाल कौन है। वीएस नायपाल नोन एज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर, इन हिज बुक्स एंड हिज डेमो डॉक्यूमेंट्री वर्क्स ही प्रेजेंटेड हिज इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर दैट इज इंडिया। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। अब वी एस नायपल जो है वो भी एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं और जिन्होंने एंशियंट टाइम एंसेस्टर इंडिया के बारे में लिखा है और उनको नोबेल प्राइज मिला था 2001 में। आगे देखें बच्चों, लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। अब हम किसी दूसरे सेलिब्रिटी की बात करें तो उसमें आता है एक नाम लुईस कैरोल। लुईस कैरोल एक बहुत फेमस ऑथर रहे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हु रोट द एलिस इन वंडरलैंड और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए लुईस कैरोल जो है जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी एलिस इन वंडरलैंड। उन्होंने क्या कहा कि इंटरव्यू देना उनको एक हॉरर जस्ट हॉरर यानी एक भयानक रूप से प्रतीत होता है इंटरव्यू देना। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमति प्रदान नहीं की। मतलब उनको इंटरव्यू देना एक हॉरर की तरह फील होता था और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए सहमति प्रदान नहीं की। इट वॉज इज हॉरर ऑफ बींग लायोनाइज विथ मेड हिम दस रिपील रिपेल वुड बी acquaintances, interviewers and the persistent petitioner for his autograph and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. Here amusement मतलब आनंददायक मनोरंजक क्षण, satisfaction संतोषप्रद। तो जो लुईस कैरल थे उन्होंने क्या कहा कि उनको इंटरव्यू देना बहुत हॉरर जैसा लगता है और आप लायोनाइज, लायोनाइज का मतलब क्या होता है, लायोनाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी मीनिंग आपको जरूर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो लायोनाइज मींस गिवन अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन, मतलब जो सेलिब्रिटीज रहते हैं जो बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो समाज में बहुत फेमस रहते हैं उनको पब्लिक का बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है। तो आप जब लायोनाइज होते हैं तो आप एक्वेंटेंसेस में आ जाते हो, आपको इंटरव्यू लेने वाले जो पिटिशनर परसिस्टेंस है वो सब, जो ऑटोग्राफ भी लेना चाहते हैं वो सब अपने उनसे वो लुईस कैरल जो है वो बचा करते थे और वो बहुत शांतिमय दौरान लिखा करते थे। तो जब वो उनका लिखा हुआ लेख पब्लिश होता था तो जो ये सारे लोग जो उनके बारे में जानना चाहते थे वो उसको पढ़ करके संतोष का अनुभव करते थे और उनको आनंद भी प्राप्त होता था। मतलब लुईस कैरल ने भी इंटरव्यू देने की जगह अपने लिखने अपने राइटिंग वर्क पर ज्यादा फोकस किया। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। हिज वाइफ कैरोलिन राइट इन हर डायरी फॉर 14th अक्टूबर 1892 दैट देयर डेज वाज रेक्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। अब यहां पर हम देखें रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। तो हु इज रुडयार्ड किपलिंग? A prolific writer who was known as the poet of common soldier. Kipling's Jungle Book, which is a story of Kimball O'Hara and his adventure in the Himalayas, is considered as a children classic all over the world. अब यहाँ बता रहे हैं कि जो रुडयार्ड किपलिंग थे वो भी एक नोबेल प्राइज विनर थे और उनकी बहुत ही फेमस बुक है जंगल बुक जिस पर बहुत मूवीज भी बनी हुई हैं। तो ऐसे जो लेखक थे उन्होंने क्या बताया, वो सबसे ज्यादा बुराई उन्होंने की किसके बारे में, इंटरव्यूअर के बारे में, इंटरव्यू लेने वाले के बारे में। हिज वाइफ, उनकी वाइफ जिसका नाम था कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 के दिन को मेंशन किया कि वो दिन जो था वो दिन पूरा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कि बोस्टन से आए हुए दो रिपोर्टर्स जो कि रुडयार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेना चाहते थे उन लोगों के कारण उनका 14 अक्टूबर 1892 वाला दिन खराब हो गया, बेकार चला गया।
She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person." अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनकी जो वाइफ थी कैरोलिन, उनने बताया कि उनका दिन खराब हो गया क्योंकि उनने खुद अपने हस्बैंड को रिपोर्टर से बोलते हुए सुना था कि मैं इंटरव्यू लेना क्यों मना कर दूं, क्योंकि ये क्या है, इमोरल है। इमोरल मतलब राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, अच्छाई और बुराई के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। ये तय नहीं करते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके जो सिद्धांत होते हैं उसके विपरीत है। इट इज अ क्राइम, ये एक अपराध की तरह है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। अब क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा क्राइम है, जैसे कि कोई आपस में एक दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं। एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। जैसे कि शारीरिक हिंसा करने पर पनिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार से इंटरव्यू भी लेना क्या है, एक प्रकार से शारीरिक हिंसा के समान है। और इसमें भी लोगों को क्या मिलना चाहिए, मेरिट पनिशमेंट, मतलब मेरिट मतलब मिलना ही चाहिए, मस्ट हैव, तो उसको भी हिंसा का पनिशमेंट मिलना चाहिए। इट इज कॉवर्डली एंड विले। ये कैसा है, पीछे हट जाने लायक है, और विले यानी अनप्लीजेंट है। इंटरव्यू देने से अच्छा है कि पीछे हट जाए, और ये अनप्लीजेंट हैपनिंग करता है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। कोई भी एक सम्माननीय व्यक्ति इसके बारे में नहीं चाहेगा। मच लेस गिव इट, कोई भी इसको इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा। अब ये बात किसने कही, किपलिंग ने कही, और इस बात को किसने रखा, किपलिंग की वाइफ ने रखा। इसके बाद इसका कंट्रडिक्टरी वर्ड देखिए, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर बिफोर। जबकि ऐसा किपलिंग कह रहा है, लेकिन उन्होंने खुद एक ऐसी ही शारीरिक हिंसा करी मार्क ट्वेन की। मार्क ट्वेन कौन थे, वो भी एक फेमस राइटर थे, और मार्क ट्वेन का इंटरव्यू कुछ सालों पहले रुडयार्ड किपलिंग ने स्वयं लिया था। मतलब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना एक शारीरिक हिंसा की तरह है, इसको पनिशेबल होना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ साल पहले ही किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। एचजी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल बट वॉज अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। अब यहां पर भी जो एच जी वेल्स थे, उन्होंने भी क्या किया था, इंटरव्यू के बारे में क्या बोला था, गलत बोला था, मतलब इंटरव्यू को अनुचित ठहराया था। लेकिन 40 साल बाद उन्होंने खुद किसका इंटरव्यू लिया था, जोसेफ स्टालिन का। अब जोसेफ स्टालिन के बारे में देखते हैं, एच जी वेल्स के बारे में देखते हैं। एच जी वेल्स जो थे, एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। He is known for his work of science fiction. Wells' best known book are The Time Machine, The Invisible Man and The War of the Worlds. अब यहाँ पर H.G. Wells भी जो थे, एक बहुत प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन भी थे, और उन्होंने बहुत ही साइंस फिक्शन के लिए काम किया। उन्होंने टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन और द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स की बहुत प्रसिद्ध लेख लिखे हुए हैं। उन्होंने खुद किस पे लिया, जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। जोसेफ स्टालिन कौन थे, अ ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी एंड एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर ये बात तय हुई कि जिन्होंने इंटरव्यू को गलत बोला, उन्होंने खुद दूसरों का इंटरव्यू लिया। साउल बेलो, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजंस, नेवर्थलेस वंस Described interviews as being like thumbprints on his windpipe. अब साओ बेलो जो भी एक फेमस थे राइटर, उन्होंने भी क्या लिखा, वो भी नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने क्या लिखा कि इंटरव्यू भी कई बार, उन्हें कई ओकेजन में इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमको ऐसा लगता है thumbprints on his windpipe। इंटरव्यू देते समय मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो विंड पाइप, विंड पाइप मतलब जो श्वास नली है,
उसको कोई दबा रहा हो। मतलब उन्होंने इतना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी श्वास नलिका है ना, जीवन दान, सांस अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, तो ऐसा लगता है कि लोग मेरी श्वास नलिका को दबा रहे हैं। Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. अब क्या है, लोग कितना भी इंटरव्यू के बारे में ड्रॉबैक्स या उसके डिमेरिट्स बताएं, लेकिन ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी सेवा देता है कम्युनिकेशन को। जो भी संचार के माध्यम, जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग चीजें हैं, उन सबको ये एक बहुत बड़ी सर्विस देता है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम अवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ अवर कंटेम्पोरेरीज आर दो इंटरव्यूज, डेनिस ब्रेन हैज रिटन। अब डेनिस ब्रेन ने क्या लिखा, डेनिस ब्रेन ने लिखा कि इन दिनों कितने भी टाइम में, लेकिन जो इंटरव्यू लेते हैं कंटेम्पोरेरीज मतलब समकालिक, लिविंग इन द सेम एज, तो उस एज में जो साथ में रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो कंटेम्पोरेरीज। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू जो होता है बहुत विविड इंप्रेशन होता है, मतलब अच्छी चीज है इंटरव्यू। हम किसी के माध्यम से जुड़ना चाहते तो हम इंटरव्यू के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको कैसे मालूम चलेगा, तो इंटरव्यू जो है वो उसमें बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें विविड, बहुत क्लीन और क्लियर बातें रहती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने समकालिक लोगों के बारे में जान सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। सेम वही बात जो मैंने आपको पहले बोली कि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है और दूसरा क्या करता है, उसका आंसर देता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अब वो क्या बोलता है कि इस कारण जो इंटरव्यू है वो उसकी जो पोजीशन है, जो देने वाला है, उसके अंदर बहुत इन्फिनिटिव पावर रहते हैं, बहुत सारी शक्तियां, क्योंकि एकदम से अचानक से उसको नहीं मालूम रहता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है, तो वो फुल्ली प्रिपेयर होता है इस चीज से और उसका प्रभाव भी उस पर, उसके इंटरव्यू पर दिखाई देता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू और इसका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे।